रुष्टा दुकामान सकलान हिसान तुमाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हि शैतान प्रयान्ति सर्वा बाधा कृष्मनम त्रैलोकश्चक्रेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्दैवी विनाशनम् सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दुःख है कष्ट है जोर से बोल रहे हैं जब सर्वानंद को भी कष्ट है कष्ट है आगे काल है पाप है भूख लग जाएगी आनंद आ जाएगा लंगर छकोगे आनंद आएगा महाराज प्रसाद चखना दम दम महादेव लम लम महादेव सम सम महादेव बम बम महादेव शंकर भगवान सर्वे वर्णानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवे। ओम शांति शांति शांति। निगम मुलस्यम गोवर माला सीता समारोह वाम पाणव भाषा प्रचार नमाम रघुवंशनाथ उपस्थित सभी भक्तों के सुख और पाप ताते स्वामी स्वामी महाराज के पावन चरित्र को नमन करते हुए आज श्री भागवत ज्ञान देवे का अंतिम दिवस संपन्नता की अग्रसर हो रहा है। पांच दिवस ठीक मध्य है इस प्रकार प्रसंग का पांच दिवस अवशेष हैं। कल बुधवार से और रविवार तक का तो मैं आप सबसे पुनः पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि अपने मित्रों को भी उत्साहित कीजिए ताकि जो भी दिवस शेष है उन दिवसों में देवी भागवत की कथा को पान करके अपने जीवन को धन्य कर सके। कल बुधवार से और शनिवार तक का जो समय है वह सायंकाल 6:30 बजे से 8 बजे तक एवं रविवार कर्मकाल इस ज्ञान यज्ञ का समापन दिवस है पूर्णा होती है इस यज्ञ की उस दिन का जो समय होगा सायंकाल 6 बजे से और 7:30 बजे तक का है। इन्हीं सूचनाओं के साथ पुनः पुनः आप सभी की तरफ से पुजश्री को नमन करते हुए आज के इस प्रवचन को हम यहीं पर विश्राम देने जा रहे हैं। आज की सिर्फ एक दो सूचना है। गुरुवार को 11 तारीख को पूर्णिमा है और प्रत्येक पूर्णिमा को हम भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं। सत्यनारायण की कथा होगी जो लोग भी भगवान सत्यनारायण की कथा में सम्मिलित होने के वक्त है वो ठीक 5 बजे मंदिर में आने से कृपा करें कष्ट करें और जो लोग विद्वान के रूप में बैठ करके कथा में पान करने के इच्छुक हैं वो अपना नाम और टेलीफोन नंबर हमें दें। वैसे आप सभी लोग आमंत्रित है अवश्य आइए और भगवत कथामृत को पान करके जीवन को धन्यवाद प्राप्त कर सके। रक्षाबंधन के लिए कई फोन आ रहे हैं कि समय का अनुसार ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि उस दिन जो रक्षाबंधन का समय है वह प्रातःकाल नहीं है। वैसे भद्रा के कारण कुछ लोगों को भ्रांति हो गई है कि भद्रा है भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करते हैं लेकिन भद्रा चूंकि कहाँ है तीनों लोगों में भ्रमण करती है तो जब मध्यरोप में भद्रा होगी उसी का प्रभाव हम सबके प्रभाव करेगा क्योंकि भद्रा शर्म है इसलिए वह भद्रा प्रभावित नहीं करेगी उससे हम लोग वंचित हैं। अगर आपको वो समय बताना है तो 10:30 बजे से भद्रा है अगर वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर बताना चाहे तो बता भी सकते हैं 10:30 के बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन कर सकती हैं। इन्हीं सूचनाओं के साथ पुनः पुनः आप सभी की तरफ से पुजश्री को नमन करते हुए आज के कथा प्रसंग को विश्राम आरती से पूर्व आज के प्रसाद की सेवा में श्रद्धालु भक्त परिवार में कराई श्रीमती सुषमा
तुकार भी एवं उनके बच्चे सती एकादशी सौरभ तथा तुकार परिवार के सभी सदस्य मिलकर के बलविंदर जी के वार्षिक पुण्य स्मृति में यह भोग सेवा भगवान के पावन श्री चरण को उन्होंने समर्पित किया है। भगवान से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि प्रभु तुकार परिवार का समर्पित आज की इस भोग सेवा को स्वीकार करते हुए बलविंदर जी की आत्मा को परम सुख शांति प्रदान करते हुए तुकार परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर प्रभु अपने कृपा रखते हैं, आशीर्वाद बरदस्त बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा भाषण को विश्राम और आरती होगी। सभी से आग्रह है कि आरती के लिए खड़े हुए आ जाइए। सुषमा जी आरती के लिए आगे आ जाए। Thank you.
Thank you.
Thank you.